तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजीत और मेरा विजिटिक संजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं एक डायनामिक माइक्रोफोन जो कि वायरलेस तो नहीं है, वायर सहित है, तो आज इसका रिव्यू देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि क्या है ये, कैसे काम करता है। ठीक है, तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी आहूजा का है, मॉडल नंबर AUD 100 XLR माइक है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स, ये 50 से 15,000 हर्च है और सेंसिटिविटी 2.5 मीटर वोल्ट है, पीए है, और इसका ये तकरीबन 600 ओम्स का है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका एमआरपी रेट यहाँ पे दिया हुआ है 1175 रुपया, लेकिन मैं यहाँ रिटेलर इसको खरीदा था उस समय, करीब ये भी 4 साल पहले मैं खरीदा था, तो उस समय इसका रेट 900 रुपया था। अभी कितना है इसको तो बारे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं क्या रेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये भी पुराना है तो ये खोल के देखते हैं। देखिए, इसके साथ बैग मिलेगा, बैग के अंदर ये माइक्रोफोन है और इसके साथ एक वायर मिलेगा जो कि तकरीबन 5-6 मीटर का है लंबाई है इसका। सिक्स मीटर टू ट्विन कोर नॉइस केबल है और 3 पिन प्रोफेशनल XLR कनेक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे इसको ट्राई करके और इसका माइक खोल के देखते हैं कि क्या है इसका कंडीशन, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको बहुत यूज कर चुका हूँ, वोकल के लिए हो गया, या मैं खास करके इसको स्टूडियो में ये ढोलक वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ, इसका कोई भी ओपन इंस्ट्रूमेंट है उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो देख सकते हैं ये। और ये है इसका केबल जो कि बहुत पुराना हो चुका है, काफी मजबूत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है और आप इसको अगर ढोलक वगैरह या किसी चीज का प्रैक्टिस या सिंगिंग करना चाहते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, गिटार वगैरह या किसी चीज को अभी यूज करना चाहते हैं तो आप ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं, बहुत ही मजबूत है, डायनामिक है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको एक बार चेक करके देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी क्या है। तो आइए इसको सबसे पहले इस केबल को आराम से लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये केबल को यहाँ से जब लगाना हो तो इसको दबा के लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इस कोड को अगर आपके पास मिक्सर है तो मिक्सर में डाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एम्पलीफायर में डालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एम्पलीफायर में डालें। और ये ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ऑफ। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए इसको एक बार चेक करके देखते हैं इसका क्वालिटी क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर से बातें करते हैं। तो चलिए एक कैरोके ट्रैक लेते हैं, थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू हो सकता है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा लूँगा और थोड़े समय सुनाऊँगा, बाद बाकी ये आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और आपको अच्छा लगे तो ये माइक आप परचेज कर सकते हैं और आप भी रियाज करें। और ऐसे ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसमें ढोलक वोलक या कोई भी चीज़ इस पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए एक करके ट्रैक लिए हैं। तुझ ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और ये माइक परचेज करेंगे और सिंगिंग के रियाज के लिए या ढोलक तबला किसी चीज़ के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा इसका साउंड क्वालिटी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं या और भी किसी चीज़ का जानकारी चाहिए म्यूजिक से रिलेटेड तो आप मेरे ऑल वीडियो में जाके देखें। बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि मेरा कोई भी अपलोडिंग वीडियो आप तक इजीली से पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।